స్తుతి మహిమా యేషు ప్రభు జీ जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। लिविंग वाटर्स गॉस्पल ब्रॉडकास्ट मुंबई में एक रेडियो सेवा है। इसे हेराल्ड मैकग्रेगर 1953 में जब ये न्यूजीलैंड से आए आरंभ किए थे, जो आज तक परमेश्वर की दया से अच्छी तरह से चल रही है, इसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। इसके अलावा 2013 से टीवी प्रोग्राम भी चालू है, उसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। मुझे उम्मीद है कि आप ये प्रोग्राम्स देख रहे हैं और परमेश्वर का आशीष पा रहे हैं और आपके जीवन में भी परमेश्वर का महान योजना पा रहे हैं। हमारे कार्यक्रम का ये मुख्य उद्देश्य, जो परमेश्वर का वचन बाइबल में जो लिखा है उसको समझाने के लिए है। परमेश्वर का वचन कहता है, आप सत्य को जानो और सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। प्रभु यीशु मसीह वो सत्य है, जिसने उसे जाना है वो स्वतंत्रता पाए हैं। हम वही उसका ही गवाही है और हमारे जैसे कई लोग यीशु मसीह को पहचाने और स्वतंत्र हो गए हैं। क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को आपका उद्धारकर्ता जाना है? जो आप जीवन जल प्रोग्राम निरंतर देखते रहे और आशीष पाते रहे, परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, जो कोई प्यासा हो वो मेरे पास आकर पिए, जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं या सच्चाई की तलाश में हैं? प्रभु यीशु मसीह आपकी प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। जल के इस कार्यक्रम में फिर एक बार बहुत ही बेसब्री के साथ इंतजार करने वाले प्यारे अजीजों, आप सबों को हमारे महान प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को प्रणाम और जय मसीह की। आज का संदेश का विषय है पश्चाताप, रिपेंटेंस। पश्चाताप का मतलब क्या है और पश्चाताप क्या नहीं है, और बाइबल, पवित्र शास्त्र बाइबल पश्चाताप के विषय में क्या शिक्षा देती है, इसके विषय में हम आने वाले कुछ समयों में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे पश्चाताप क्या नहीं है। पश्चाताप का मतलब अफसोस करना नहीं है। अगर मान लीजिए, उदाहरण के लिए, मैं गाड़ी चला रहा हूँ और गलती से मेरे हाथ से सामने वाले गाड़ी में मैंने मार दिया, ठोकर लग गई, और मैं अपने गाड़ी से उतरकर सामने वाले उस व्यक्ति से माफ़ी मांगता हूँ, वहाँ पर मुझे अफसोस हो रहा है। लेकिन पश्चाताप अफसोस करना नहीं है। पश्चाताप किसी बात पर बुरा मानना ही नहीं है, पश्चाताप उससे बढ़कर है। पश्चाताप का मतलब है आप पूरी तरह से उस चीज को छोड़कर मन फिराव कर पश्चाते हुए किसी और में आ जाते हैं, और यह है पश्चाताप का बाइबल में जो अर्थ बताया गया है। आइए हम उन भागों को देखें जहां पर बाइबल में पश्चाताप शब्द का अर्थ क्या है। प्रेरितों के काम 14:15 में हम पढ़ते हैं, हम भी तो तुम्हारे समान दुख भोगी मनुष्य हैं और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीविते परमेश्वर की ओर फिरो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है बनाया। यहाँ पर पौलुस लुस्त्रा में पहुँचा और जन्म के उस लंगड़े व्यक्ति को, उसके ऊपर बहुत ही अद्भुत काम करने के बाद लोगों ने जब उस अद्भुत काम को देखकर
पौलुस को एक तरह से ईश्वर का दर्जा दे दिया और पौलुस वहां पर बहुत ही नम्रता के साथ उन लोगों के सामने जो अति आवश्यक बात है, जिन बातों को कह रहे थे वो व्यर्थ है, बेकार की बातें हैं, और ये कहकर वो कहता है कि हम भी तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं, हम कोई दूसरे ग्रह से आए हुए लोग नहीं हैं, हम भी तुम्हारे समान ही लोग हैं। और वहाँ पर उसने बताया कि क्या चीज प्राथमिक है, क्या अति आवश्यक है, और वो कहता है कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवित परमेश्वर की ओर फिरो, किसी में से किसी में आना, या फिर बुराई से भलाई में आना, असत्य से सत्य में आना। यशायाह 45:22, हे पृथ्वी के दूर दूर के देश देख के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ। इस वाक्य के अनुसार बहुत ही स्पष्ट एक वचन है जहां पर उद्धार और पश्चाताप दोनों को जोड़कर लिखा गया है। इसका मतलब एक पापी व्यक्ति को उद्धार पाने के लिए उसमें जो बहुत ही महत्वपूर्ण घटक अगर हम ले सकते हैं तो वो है पश्चाताप। बिना पश्चाताप के एक पापी व्यक्ति उद्धार नहीं पा सकता। जिस प्रकार सुसमाचार में बिना क्रूस के सुसमाचार अधूरा है, बिना क्रूस के बाइबल अधूरा है, बिना क्रूस के प्रभु यीशु मसीह अधूरा है, उसी प्रकार उद्धार पश्चाताप के बिना अधूरा है। और यशायाह भविष्यद्वक्ता यहां पर आह्वान दे रहा है कि तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ। परमेश्वर की वाणी है वहां पर इज़राइल वंश के लिए। आइए हम 1 थिस्सलुनीकियों 1:9, क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ। अब ध्यान से सुने, और तुम क्यों कर मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे ताकि जीविते और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो। ध्यान दें, थिस्सलुनीकियों की कलीसिया में जब पौलुस संबोधन कर रहा था, बहुत ही दिक्कत तकलीफ मशक्कत के बीच में उनकी विश्वास की मजबूती और विश्वास का ऐलान हो रहा था, और पौलुस उनको सराह रहा था कि किस प्रकार थिस्सलुनीकियों के विश्वासियों ने मूर्तों को छोड़कर, व्यर्थ बातों को छोड़कर जीविते और सच्चे परमेश्वर की ओर फिर कर सेवा कर रहे थे। इन तीनों वाक्यों के आधार पर हम इस निष्कर्ष में पहुंच सकते हैं कि पश्चाताप का आत्मिक अर्थात बाइबल जो सिखाती वह यह है, मन फिराव या पश्चाताप करना, या किसी में से किसी में आना। किस में से किस में आना? असत्य से सत्य में आना, मृत्यु से जीवन में आना, और नरक से स्वर्ग में प्रवेश करना, आदि इत्यादि। तो पश्चाताप का मतलब अफसोस करना नहीं है, हम उस पर बाद में आएंगे। अफसोस करने का मतलब क्या है और बाइबल में, नए नियम में किसने अफसोस किया और उसका परिणाम क्या है? अब हम देखेंगे बाइबल में त्रि एक परमेश्वर अर्थात पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर, इन तीनों ने एक ही भाषा में एक ही मकसद के साथ अनेकों जगह में पश्चाताप का जिक्र किया है। पर सबसे पहले प्रथम प्रेरितों के काम का किताब 11:18, यह सुनकर वे चुप रहे और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, तब तो परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया। संदर्भ को समझिएगा, प्रेरितों के काम 11 में अन्य जातियों के ऊपर अर्थात कॉर्नेलियुस के घराने में जब वे विश्वास किए प्रभु यीशु मसीह पर, और यहां पर यह पश्चाताप जो शब्द है अर्थात मन फिराव के बारे में जो लिखा है 18 में, और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, तब तो परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया है। देखिए, यहां पर भी मन फिराव से उत्पन्न होने वाला परिणाम अर्थात मन फिराव से अनंत जीवन का दान मिला। परमेश्वर मन फिराव को उद्भव करता है, पिता परमेश्वर एक पापी के हृदय में मन फिराव को उत्पन्न करता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 2:5 में एफिसस की कलीसिया का दूत हम पढ़ते हैं, सो चेत कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर, और यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को स्थान से हटा दूंगा। एफिसस की कलीसिया को यह चेतावनी दी जा रही है कि जहां से तू गिरा वहीं से मन फिरा कर वापस लौटा, अगर नहीं फिराएंगे तो तेरे दीवट को हटा दिया जाएगा। बहुत बड़ी चेतावनी है। हम उसी अध्याय में जब पिर्गमुन की कलीसिया के दूत के विषय में हम देखते हैं और उसके 16 में, सो मन फिरा, देखिए ध्यान से पढ़िएगा,
बार बार वो शब्द आ रहा है, मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। चेतावनी है यहां पर एफिसस की कलीसिया, पर्गमन की कलीसिया। यहां पर प्रभु यीशु मसीह इस संदेश को दे रहे हैं, मन फिराओ, पश्चाताप करो। अब पवित्र आत्मा जकरिया की किताब उसका 12वां अध्याय उसके 10वें आयत में, और मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा, तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने वेदा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे एकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहलौटे के लिए करते हैं। पवित्र आत्मा मन फिराकर वापस लौटाने में सक्रिय है। तो इस प्रकार हमने देखा वचन के विभिन्न जगहों से, पुराने नियम से और नए नियम से, कि पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर एक पापी के हृदय में, मन में पश्चाताप अर्थात मन फिराव के लिए प्रेरणा और उत्साहित कर उसको सच्चे परमेश्वर की ओर फिरने के लिए प्रोत्साहित करता है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आप अफसोस करते हैं या फिर पश्चाताप करते हैं? अगर अफसोस करते हैं तो थोड़ा सा और आगे बढ़िए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो उद्धार जो सेंत मेंत में हमें दिया जाता है, उस उद्धार प्राप्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ बहुत ही महत्वपूर्ण घटक यह है कि हमें पश्चाताप करना पड़ेगा। दुख की बात मैं बताता हूँ आप लोग, आज एक ऐसे दुनिया में हम लोग जी रहे हैं जहाँ पर पाप की परिभाषा को मनुष्य ने बदल डाला है, क्योंकि पाप की समझ इतनी खत्म हो गई है दुनिया में, और इसीलिए नैतिकता भी खत्म होते जा रही है। इसका मतलब पाप क्या है इसको इतना हमने पतला कर दिया है, और इस पाप को अपनी सुविधा के अनुसार हम इस्तेमाल करते हैं। कई बार जो हमारे लिए पाप नहीं है, हम उसी पाप को दूसरे के लिए पाप का मापदंड में नापते हैं, और इसलिए मैंने कहा कि हम पाप को अपनी सुविधा के अनुसार इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात, आज लोगों का विवेक इतना मर गया है कि वह जब पाप करते हैं पता ही नहीं चलता है कि वो पाप कर चुके हैं। उदाहरण के लिए झूठ बोलना इतना एक आम बात हो गई, और आज मनुष्य झूठ बोलना एक पाप होकर नहीं देखता है, लेकिन परमेश्वर झूठ बोलने को पाप के दर्जा दिया है। झूठ बोलना परमेश्वर कट, परमेश्वर झूठ से नफरत करता है, लेकिन मनुष्य ने आज झूठ को अपनी सुविधा में इस्तेमाल कर उसको पाप का दर्जा देना छोड़ दिया है, और इसलिए पाप कर के मनुष्य के अंदर परमेश्वर ने जो विवेक ठहराया है, जो सही और गलत का फर्क हमें बतलाता है, वो विवेक उसका मर गया है। तो अफसोस तो छोड़ो, पाप क्या है इसकी समझ भी धीरे धीरे खत्म होते जा रही है। और दुर्भाग्य की बात यह है, ऐसा एक वातावरण में हम अपने बच्चों को पाल रहे हैं, वे ये सब चीज़ों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और अपने जीवन के व्यवहारिक और प्रायोगिक क्षेत्र में वे भी यही सीख कर अपने जीवन में इस बात को समझ रहे हैं कि हाँ ये पाप नहीं है और ये पाप है। हम अपने पीढ़ी को जो तैयार कर रहे हैं क्या दे रहे हैं उन्हें? सच तो दे नहीं पा रहे हैं, कम से कम झूठ का समझ जैसा देना चाहिए कम से कम वो तो दे, और जब हम देंगे तो सत्य क्या है उसका भी समझ अपने आप उस वातावरण में एक सच्चा पापी इंसान जिसके जीवन में पश्चाताप है वो सत्य की खोज में निकलेगा। आइए हम इस अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसका 7वां अध्याय उसके 10वीं आयत, और वहां पर पौलुस पश्चाताप किस चीज से उत्पन्न होता है वहां पर लिखा है, 7वां अध्याय उसका 10वीं आयत, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक, ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है। हाँ जी, अब बाइबल की भाषा में या आत्मिक भाषा में यहां पर पौलुस बहुत अच्छे से शब्दों का इस्तेमाल किया है, और यहां पर वो कहता है कि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है। किसी भी प्रकार का पश्चाताप और मन फिराव से उद्धार नहीं हो सकता इस वाक्य के अनुसार, और सही भी है। एक ऐसा पश्चाताप जो परमेश्वर भक्ति से एक शोक उत्पन्न होता है, केवल अफसोस काफी नहीं है, केवल बुरा मानना काफी नहीं है, यह पश्चाताप का उद्भव उसका स्रोत परमेश्वर भक्ति, जिसको हम अंग्रेजी में हम गॉडली सोरो प्रोड्यूसर्स रिपेंटेंस कहते हैं। परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार होता है, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता,
और एक वास्तविक पश्चाताप जो है वो ऐसे एक परमेश्वर भक्ति शोक के बिना उत्पन्न नहीं हो सकता। इसका मतलब मेरे पापी होने की अवस्था और मैं एक पापी होने का जो आभास या आभूति अगर मुझे होना है, परमेश्वर का वचन से कायल किया जाना बहुत जरूरी है। परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे अंदर परमेश्वर भक्ति का शोक उत्पन्न होना जरूरी है और मुझे ऐसा प्रेरित करे जिसका परिणाम उद्धार हो। हाँ जी, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसलिए उद्धार के साथ कभी भी हम पश्चाताप को अलग नहीं कर सकते। एक ऐसा व्यक्ति जो पापी है और उसको उद्धार पाना है और उसको मालूम है कि वो पाप के अंधकार में है और वो विनाश की ओर जा रहा है, नरक की ओर जा रहा है, उसको उद्धार में जो बहुत ही महत्वपूर्ण घटक यह है पश्चाताप। और बाइबल में हमेशा पश्चाताप के साथ उद्धार और उद्धार के साथ पश्चाताप को जोड़ा गया। लेकिन दूसरे तरफ ये केवल अफसोस करना, केवल दुख को महसूस करना, ये मृत्यु को उत्पन्न करती है। मैं उदाहरण दूंगा, एक व्यक्ति जो मुजरिम है और अगर आप जेल में जाएंगे, मुजरिम को जहां पकड़ के कैद किया जाता है, कुकर्मी से अगर आप बात करेंगे, भाई साहब यहां पर आप कैसे पहुंचे? अरे क्या बताऊं भाई साहब, कत्ल करने के बाद न्यायालय के नियम के अधीन हो गया और मुझे जेल भेजा गया और मैं अफसोस करता हूं और मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैं अपने आप को कोस रहा हूं, ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को ख़त्म कर डालूं। देखिए, अब आप इस व्यक्ति के अंदर के उत्पन्न होने वाली भावनाओं का प्रक्रिया को जरा देखिए, उसे कहां पहुंचा रहा है। उसने गलत काम किया, पाप किया, अर्थात कत्ल किया, कत्ल करने के कारण उसे कैद किया गया, कैद कर कैदी होकर जेल में डाला गया और वहां पर उसकी भावनाएं उसके अंदर से उत्पन्न होकर उसको यह महसूस करवाती है कि तू दोषी व्यक्ति है, तू दोषी व्यक्ति होने के कारण तू बेकार इंसान है, तेरा जीवन खत्म हो गया और इसलिए तेरा जीना अब बेकार। यह एक सांसारिक शोक है। थोड़े समय पहले मैंने कहा परमेश्वर भक्ति का शोक, ये दोनों में फर्क है। परमेश्वर भक्ति का शोक जो होता है वो उद्धार, उसका परिणाम है। संसारिक शोक जो होता है उसका परिणाम मृत्यु है। और हम उसका उदाहरण के लिए मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय उसकी तीसरी आयत, जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया, देखिए उसको दोषी ठहराया गया, तो वह पछताया और वे 30 चांदी के सिक्के महायाजक और पुरनियों के पास फेर लाया और कहा, मैंने निर्दोषी को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। और उसके बाद पांचवें आयत में हम पढ़ते हैं, तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दे दी। वो दोषी ठहराया गया, उसको मालूम हुआ कि उसने पाप किया, वो पछताया भी, लेकिन उस प्रकार की एक सांसारिक दोष का महसूस होने के बाद भी उसके अंदर का पछतावा का परिणाम क्या था, वो जाकर खुदकुशी कर लिया। तो ये परमेश्वर भक्ति से उत्पन्न होने वाला शोक जिसका परिणाम उद्धार है, और ये संसारिक शोक से उत्पन्न होने वाला पछतावा जिसका परिणाम क्या था, मृत्यु है। ये दोनों में बहुत फर्क है। और इसलिए इस अध्ययन को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे जीवन में हम जो पापी हैं, दोषी हैं, परमेश्वर भक्ति से जो शोक उत्पन्न होता है, एक ऐसा उसमें से उद्भव होने वाला पश्चाताप की आवश्यकता है जो परमेश्वर के वचन को सुनकर हम कायल हो जाते हैं। परमेश्वर का वचन जब हम सुनते हैं, अगर हमने उद्धार नहीं पाया है, परमेश्वर का प्रेम के बारे में जब हम सुनते हैं, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम के बारे में जब हम सुनते हैं, हम कायल हो जाते हैं, हम दोषी ठहराए जाते हैं। परमेश्वर का प्रेम काटता है, परमेश्वर का प्रेम मारता है, परमेश्वर का प्रेम जिलाता है, परमेश्वर का प्रेम बैठाता है, उठाता है। प्यारे भाइयों बहनों, अगर आज तक आपने अपने पापों से पश्चाताप नहीं किए हैं, आज मैं आपसे बहुत ही नम्रता के साथ, क्योंकि बाइबल कहती है कि मनुष्य पापी है और पापी मनुष्य को दंड मिलना चाहिए, इनाम नहीं मिलना चाहिए, अगर आप परमेश्वर भक्ति से जिससे शोक उत्पन्न होता है, जिसका परिणाम उद्धार है, और उसके लिए पछतावा क्यों ना करना पड़े, हाँ जरूर पछताइए। पछतावा करने का मतलब है हम परिवर्तित हो जाए और वो पछताना बेकार नहीं जाएगा। प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को धोने के लिए, उठाने के लिए, दूर करने के लिए और हमेशा के लिए माफ करने के लिए उस कलवरी के क्रूस पर बलिदान हुआ। अगर हम अपने पापों को मान लें, अंगीकार कर लें, रोमियो की पत्री 10:9, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार कर लें और अपने मन से विश्वास करे
कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। बाइबल उद्धार की निश्चयता देती है। आज इस वक्त हम अपने किए के पीछे और उसके ऊपर पछताएं। हम पापी हैं, मनुष्य पापी है, दोषी है, परमेश्वर के सामने वो दोषी है। पाप का पश्चाताप करें, मन फिराव करें और प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में प्रभु और उद्धारकर्ता होकर ग्रहण करें, और इस प्रकार के पछतावे से उसका परिणाम उद्धार है। प्रभु यीशु मसीह उद्धार और मुक्ति और हमें पापों से छुटकारा, नजात देने के लिए आए थे। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। क्या आप आज भी बिना पछताए गुलामी में रहना चाहते हैं, या फिर पछतावा कर आप आज़ाद होना चाहते हैं? चुनाव आपका है। आप गुलामी में रहना चाहते हैं या आज़ादी को महसूस करना चाहते हैं? प्रभु यीशु मसीह गुलाम लोगों को आज़ादी के लिए बुलाया, जो पापी थे उनको पवित्रता के लिए बुलाया, जो निराश थे उनको आनंद के लिए बुलाया। आइए प्रभु यीशु मसीह के पास आएं, जो आपसे प्रेम करता है और आपको यह बहुत बड़ी आज़ादी, बहुत बड़ी मुक्ति, बहुत बड़ा उद्धार देने के लिए अपने आप को निस्वार्थ प्रेम और बलिदानात्मक मृत्यु कलवरी के क्रूस पर देकर आपसे प्रेम किया। यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। जय मसीह की। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें की है और आप इस विषय के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी प्रार्थना के विषयों को बांटना चाहते हैं, तो निसंदेह हमसे संपर्क कीजिए। हमारा पता है जीवन जल, नव भावना बिल्डिंग, 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल करेस्पोंडेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें। अपना नाम और पूरा पता तुरंत SMS करें। हमारा मोबाइल नंबर है 09892580744। हमारा ईमेल ID है gospelbroadcast@yahoo.com। हमारा वेब एड्रेस है www.lwgb.org। हमारा यूट्यूब एड्रेस है jeevanjaltv@youtube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 और शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पे आप देख सकते हैं। धन्यवाद।